रामनगर कोतवाली पुलिस ने जुए के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जंगल में जुआ खेल रहे लगभग 8 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से कुछ लोग मौके से भागने में कामयाब हो गए, वहीं 8 को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस ने जुए के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए रामनगर क्षेत्र से 8 जुआरियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लाखों रुपये की रकम भी बरामद की है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए रामनगर कोतवाली के कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि रामनगर के आमडंडा खत्ता जंगल क्षेत्र में जुआ खेलने की लगातार शिकायत पुलिस को मिल रही थी। उन्होंने बताया कि शनिवार की रात पुलिस को मुखबिर ने सूचना देते हुए बताया कि आमडंडा खत्ता क्षेत्र में जंगल के अंदर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। सूचना पर गठित पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर 8 जुआरियों को रंगे हाथों जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि पुलिस टीम द्वारा मौके से ताश की गड्डी और 2,48,200 रुपये बरामद करते हुए 5 दोपहिया वाहन भी पकड़े गए हैं। कोतवाल ने बताया कि सभी आरोपियों के खिलाफ संबंधित धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। वहीं उन्होंने बताया कि कुछ जुआरी मौके से फरार हुए हैं, उनकी भी तलाश जारी है। देखिए, काफी समय से आमडंडा मरखत्ते में जुए की शिकायत मिली थी। मुखबिर की सूचना पर थाना रामनगर पुलिस द्वारा कल एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आमडंडा खत्ते से कुल 8 लोगों को हमने गिरफ्तार किया गया है। उनके द्वारा जुआ खेलने के लिए जो भी सामग्री है के अलावा फंड में 2,48,000 रुपये हमारे द्वारा बरामद किए गए हैं तथा मौके पर 3 स्कूटी और 2 मोटरसाइकिल व अन्य वाहन भी मिले हैं, जिनको हमने पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और इस संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया है। लगभग उनकी संख्या 10 से 15 है और जो मौके से निकल गए थे उनकी जांच कर रही की जा रही है कि वो लोग वहाँ क्यों थे और इस संबंध में हमारे द्वारा जानकारी कर उनके विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले